प्लस रनिंग बाय ओपो A520 डबल आउना है और कुरकुरे बाई लेस टेढ़ा है मगर मेरा है। अच्छा दांत तो अच्छे होते हैं, दांत अच्छे हैं, अबे भाई दांत अच्छे नहीं है सिर्फ एक्सर इस्तेमाल करो, दांत दूर करो यार। और इसके अलावा मैं बताते चलूँ, अच्छा आज का मेरा स्टूडियो कैसा लग रहा है। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार एक अपना छोटा सा एक स्टूडियो घर में ही बना लूँ यार। वैसे अभी तो अभी आप लोगों को पता है मौसम बड़ा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा खांसी टाइप हो रही है अब आप। अच्छा तो हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव परमार और आप लोग को मैं बताते चलूँ कि एक बड़ी खुश खबरी है आप सबके लिए। सलमान भाई सुनने में आ रहा है वाह शादी कर रहा है वाह इतनी बड़ी उम्र में आके, चलो कोई बात नहीं शादी तो कर रहा है यार, चलो अच्छी बात है यार, बंदे को शादी का ख्याल तो आ गया, अब शादी भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है यार। और दूसरी बात बस मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि यार अगर मैं बस इतना बताता चलूँ, आज का टॉपिक मेरा यही था सलमान भाई के ऊपर, ज़रा मैं बड़ा यूट्यूब देख रहा था तो मैंने बोला सलमान भाई शादी कर रहे हैं वहाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी ब्रो। तो सलमान खान का फ़ैन है यार हम, एक टाइम पर हमने उनको देख के बड़ा जिम शिम किया था, ये देख सकते हैं आप, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अंडा है पहले। तो खैर तो कहने का मतलब बस ये है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर सलमान भाई, अपना जो कर रहा है शादी कर रहा है अच्छी बात है। पर इतना बताता चलूँ यार, उनकी जो जोड़ी थी ना वो कैटरीना कैफ के साथ थी यार, तो यार कैटरीना कैफ जो है ना मैडम एकदम उनके साथ, उनकी जितनी भी फिल्म उनके साथ है सलमान भाई की, तो मैं इतना बता दूँ यार क्या कपल था यार, क्या जोड़ी लग रही थी। पर अब सही है यार इसके साथ इसकी ये जो लड़की है पता नहीं क्या नाम है, अनुष्का शायद नाम है, अनुष्का नहीं पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है। तो यार इस मैडम का यार ये है कि दबन के साथ जो मूवी है मूवी तक ही अच्छी थी, अब लाइफ पार्टनर अगर सही बताऊँ अच्छी है यार, नो डाउट बहुत खूबसूरत है ये भी, पर कहने पर कैटरीना के साथ साथ है ना भाई एक लुक आता था कि यार सलमान भाई और कैटरीना का नो डाउट यार बहुत हसीन कपल था यार। पर सलमान भाई ने पता नहीं क्यों शादी नहीं की, और कहते हैं लंगूर के मुँह में अब क्या बोले। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं बताता चलूँ तो कोई आ गया था यार इसलिए मैंने थोड़ा रोकना पड़ा। तो खैर मैं इतना बता दूं कि यार एक सवाल है कि एक अभी कमेंट के अंदर आया कि यार मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि कुछ सवाल कुछ यूँ आया कि बोलना नहीं चाहिए, किसी ने बोला कि ध्रुव ध्रुव भाई यार बंदी सेट नहीं होती यार भाई, बंदी सेट करने के लिए थोड़ी बैठे यार हम, अच्छी बात है यार जैसे सवाल किया हमें अच्छा लगा। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर बंदी सेट करनी है तो यार पहले तो अपने आप को हैंडसम बस दूंगा बना के घुमा फिरा करो यार, अपने आप पर खर्चा करो थोड़ा सा, जो लड़के लोग हैं यार उनके लिए बोलो। तो लड़कियां तो सिर्फ अपने बाल खोले तो बंदा तो वहीं फ्लैट हो जाता है, तो बस ये है कि लड़के भी अपने आप पर थोड़ा खर्चा करें, शेविंग करें या शेव रखे तो ज़रा खत पर यू नो टाइम। अभी हम तो खुद ऐसे लंगूर की तरह घूमते रहते हैं, हमें क्या यार, हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं यार अभी। खैर पहले जैसे हमें वो नहीं है कि लड़कियों के पीछे कुंवार हो ये वो, मुझे वो नहीं है, कुछ भी यकीन करो ना करो आप, अगर कोई अगर मेरे लिंक में है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी मेरा ऐसा कोई पकड़ा नहीं जाएगा कि यार ध्रुव परमार किसके साथ सेटिंग थी या उसके साथ सेटिंग थी। तो हाँ मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ यार, तो इसलिए यार मुझे इतना आइडिया है नहीं, बस मैं इतना बोलूँगा आप लोग के अगर बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा, मैं जब बोलते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बस मैं यही बोलूँगा कि अगर करना है तो भाई थोड़ा स्मार्ट बन के घुमा कर यार, खुद ही सेट हो जाएगी, खुद ही आ जाएगी तेरे पास, सही है बस यही था। हेलो एवरीवन, तो मैं ये बताता तो चलूँ कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जिसको जितनी ज़रूरत उसने उतना पहचाना, बस मैं यही कहूँगा। तो कहने का मतलब ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सलमान भाई खैर शादी कर रहे हैं, और भाई सही बताऊँ मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यार लड़कियाँ सेट करने का ये वो वगैरह वगैरह, तो जिसने भी मुझे ये सवाल किया मुझे अच्छा लगा सवाल करके यार, उसने मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर क्वेश्चन ब्रो। तो मैंने अच्छा उसको बस एक एडवाइस दी कि यार तू बस स्मार्ट बन के घुमा कर, और बस मैं यही बोलूँगा कि यार ज़्यादा तो कुछ, बस यार हम ऐसे ही आए थे अपना स्टूडियो अपने लिए तैयार कर रहे थे तो वॉल पेपर वगैरह देख रहे थे, तो हमने बोला आ जाओ, और जो ये वॉल पेपर लगा हुआ था हमने बोला आ जाओ एक छोटी सी वॉल का एक छोटी सी क्लिक बना लें। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप सबसे कि हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए यूट्यूब एंटरटेन की दुनिया, क्योंकि यार और ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को ना, तो यार कुछ अब आप लोग के ऊपर कभी भी कोई
बुराई आया है ना, कोई भी किस्म की बुराई, ज़्यादातर आया ना कोई भी किस्म की बुराई, कोशिश करना कि यार अगर कोई भी आए ना, भले वो बॉडी में एकदम सही है, अगर आपसे 10 रुपया मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, तो उसकी मदद ज़रूर करना यार। और जब बुरा वक़्त पड़े ना, तभी आप है ना किसी को खाना खिला देना, जब बुरा वक़्त ज़्यादा आ जाए। वैसे तो रोज़ हर कोई कोई ना कोई मिलता रहता है, एक जाता तो दूसरा आता है, पर जब इतना दो ना दो वो आपका मैटर है। पर मैं इतना बता दूँ कि जब आप पर बुराई आए ना भाई, जब किसी को भी खाना खिला देना हो, या किसी आपसे जो आपकी यथाशक्ति हो, जितना आप दान दे सकते हो, जितना आप उसको दे सकते हो, तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा जब बुरा वक्त आए। तो अगर अभी अगर मिसाल के तौर पर आप ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आप अपने आप पर, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि यार आप किसी भी मज़हब से अगर आप मैटर करते हो, किसी भी मज़हब को मानते हो, तो यार ये मैं आपको कैसे बताऊँ, तो खैर मैं फिर भी बताऊँगा आपको यार, मैं अपना एक बता रहा हूँ यार, बोलना नहीं चाहिए पर मैं वो बताऊँगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा यार। आप यकीन करो ना करो, काफ़ी टाइम से मैं बहुत, आज से शायद 5 से 6 7 8 साल पुरानी बात है, 2012 की समझो, 2000 बहुत पुरानी बात है यार। कहने का मतलब ये है कि यार मैं घर वालों को, मैं ऐसे भी कोई चीज़ होती है ना, मैं अपने आप पर हावी करता हूँ, खुद कोशिश करता हूँ कंप्लीट, मैं अपने घर वालों को नहीं बताता, आज भी कोशिश करता हूँ, मेरा मसला मैं खुद हैंडल करूँ। कुछ बात थी मेरे दिल में अटक रही थी ना, फंस रही थी, तो आप यकीन करो ना करो मैं सही बताऊंगा आपको, खुला बोलूंगा यार, मैं मंदिर गया, हिंदू क्योंकि मैं मंदिर गया, मैं आप लोगों को खुला बताऊं, वहाँ पर है ना मैंने थोड़ी सी सफाई की, वहाँ पर मंदिर पर जाकर सही सही बताऊंगा, सफाई की मैंने वहाँ पर। यकीन करो ना करो, उस मंदिर से मैं बाहर आया हूँ ना, मेरे दिल में से ऐसा लगा, मेरे सीने में से ना मैंने बोझ उठा के ना अपनी साइड में रख दिया, जैसे हवा में नहीं मैं उड़ रहा था उस दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई बहुत परेशानी, मैंने परेशानी से मैं बाहर आया हूँ। आप यकीन करो ना करो, इतना सुकून मिल रहा, मैंने अपने दोस्त को बोला और उसने भी यही बोला कि यार मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि उसने भी वो वहाँ में थोड़ी सी सेवा कर रहा था, वहाँ पर सही बताऊँ मैं सफाई का काम कर रहा था वहाँ पर, उस मंदिर में जाकर, पर मुझे इतना अच्छा लगा, वो मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे साथ, उसने खुद अपने तेरे यार तूने मेरे मुँह की बात छीन ली, तेरे यार मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि यार कोई बहुत हल्का मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने बोला यार मेरे साथ तो ये हुआ, और कह रहे मैं जो टेंशन खामा खा के सोचता था ना, उससे भी मैं ऐसे आज़ाद है, मुझे ऐसा लगा मैं आज़ाद हो रहा हूँ यार, आज़ाद हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाके आप भले नमाज करते हो, अच्छी बात है यार, प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, कुछ भी अच्छी बात है, पर आप वहाँ जाके सफाई या कुछ ऐसा कुछ वहाँ पर ज़रूर करो, क्योंकि जब भी आप परेशान हो, आप यकीन करो ना करो, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस आएगा, उसी टाइम महसूस होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। पर बस ये करते हुए दिल में कोई लालच मत रखिएगा यार, मैंने यकीन करो कोई भी ऐसी लालच नहीं रखी थी, मेरा तो जहन और गुमान भी नहीं था कि यार, और मैं काफ़ी टाइम से परेशान था, यकीन करो कि बहुत परेशान था उस टाइम पर, तो और ये मैंने किया तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है यार, मुझे यकीन करो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं और मेरा दोस्त हर मंडे टू मंडे हम लोग जाना शुरू हो गए, और हम लोग ने काफ़ी टाइम है ना मंडे को जाते हैं, हर मंडे को हम लोग जाना शुरू हो गए, क्योंकि यार जाहिर सी बात से जान से आराम, जिस डॉक्टर के पास से हमें आराम मिलेगा हम वहीं जाएंगे ना अगर बीमार हो, तो बस ये एक्सपीरियंस वो था मेरा, तो आप लोग के साथ शेयर किया। तो कोई भी अगर काम वाम करो तो यार ऊपर वाले को हमेशा हाजिर हाजिर रखो, उसको हमेशा दिल में रखो, हमेशा याद करके कोई भी अच्छा काम करो तो उसको याद करके शुरुआत करें, और बस मेरा यही मैसेज था, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए 2.0। और मेरा कहने का मतलब सलमान भाई के टॉपिक था, हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, तो यार खैर ये कुछ काम की भी बातें हो गई हमारी, तो आजकल तो यार इवेंट्स मिल तो नहीं रहे, तो मैं ऐसे ही बैठा बैठा वीडियो बनाता हूँ, तो बस यार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार, और सब्सक्राइब करें हाँ यार, अपने दोस्तों को भी बताएंगे यार ये ध्रुव परमार, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार, बहुत मेहनत करता है यार, और वीडियो तो आपने देखी होगी यार, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बोलूँगा कि यार बहुत ज़्यादा लंबी अगर हो गई तो यार आप दूसरा चैनल खोल सकते हैं, देख सकते हैं, बस मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने तो बना ली, तो हमें अच्छा लगता है कि यार काफ़ी कमेंट्स मुझे आए, मुझे इंडिया से भी आए कमेंट्स, और ये बांग्लादेश से भी आए, और ये कोई कौन सा बांग्लादेश और दूसरा पता नहीं कौन सा था, तो वहाँ से भी एक आए, इंग्लिश के अंदर भी कमेंट्स लिख लिख के दे रहे हैं कि यार
हेलो ध्रुव परमार, यू आर लुकिंग सो, थैंक यू सो मच। तो खैर ऐसी बातें काफ़ी उन्होंने बोला कि यार, किसी ने तो मुझे ये भी बोला ध्रुव परमार आप बॉडी शॉडी बनाएं। तो मैंने बोला यार अभी तो खैर टाइम नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है टाइम, अगर आपको टाइम मिलेगा तो सब कुछ होगा यार। फिर भी मैं टाइम निकाल कर फिर भी कोशिश करता हूँ कि यार वीडियो थोड़ी सी बनाऊँ और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो खैर अभी लास्ट टाइम मैं पीसी होटल के अंदर भी गया था, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत पीसी होटल है यार। अगर अच्छा हाँ जो भी मेरा भाई बंधु, अगर ये पीसी होटल कराची की बात कर रहा हूँ यार, कोई भी अगर पीसी होटल जाना हो ना तो भाई फ्री एंट्री है, घूमना फिरना भी फ्री है भाई। सही है, मैं भी यही समझता था, अंदर जाने के चार्जेस होंगे, कुछ भी नहीं है भाई, अंदर जाने का एकदम फ्री है। आप फ्री में अपने बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो वहाँ खेलने बच्चों के लिए प्लेलैंड भी बना हुआ है ना, तो आप वहाँ जाके भी खेल सकते हो और बच्चों को खिला सकते हो। तो और बहुत ही खूबसूरत पीसी होटल तो बना हुआ है, तो ये मेरिट हो गया पीसी होटल, आप जाके विज़िट करें, बहुत खूबसूरत है, किसी चीज़ के चार्जेस नहीं है। तो बस मेरा ये मैसेज था, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए 2.0। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।